Turn your Bible to Matthew chapter 19. मत्ती की किताब अध्याय 19 की ओर अपने बाइबल को मोड़े. Matthew chapter 19. मत्ती की किताब अध्याय 19. Verse 3 onwards. और वचन 3 से. The Pharisee also came to him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for any cause? तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी के त्यागना उचित है? And he answered and said unto him, Have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी करके कहा? And said, For this cause shall man leave his father and mother and shall cleave to his wife and they twin shall be one flesh. इस कारण मनुष्य अपनी माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेंगे और वो दोनों एक तन होंगे. Therefore they are no more two but one flesh. What therefore God has joined together, let no man put asunder. अतः वो अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे. They said unto him, Why did Moses then commanded to give a writing of divorcement and put her away? उन्होंने उसे कहा, फिर मूसा ने यह क्या ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? And he said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, and suffered you to put away your wife, but from the beginning it was not so. उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपने अपने पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था. I say unto you, whoever shall put away his wife, except it for fornication, and shall marry another, commit adultery. And whoso marries her which he put away doth commit adultery. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपने पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़े हुए से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है. And verse 10 is very important. वचन 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है. And this verse 10, all the unmarried should pay attention to it. और जिन्होंने शादी नहीं किया है वो लोग ध्यान दें इस वचन पर. His disciples say unto him, If this case of a man be with his wife, it is not good to marry. चेलों ने उसे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो वो विवाह करना अच्छा नहीं. You see, in this passage, ये वचन में we don't know what are the things exactly Jesus said. यीशु ने क्या कहा ये पूरी तौर पर तो नहीं जानते. So whatever Matthew remembered, he wrote it. मत्ती ने जो कुछ उसको याद था उसने वो लिखा. But after Jesus giving a lecture on marriage, और विवाह के बारे में यीशु संदेश देने के बाद, this is the conclusion of the disciple. और ये जो है चेलों के अंत की बात थी. If this be the case, it is better not to marry. अगर ऐसी बात है तो शादी ना करे. Okay, first let's talk about whether to get married or not. पहले तो बात करते हैं कि शादी करना है या नहीं करना है. And anyway, it's good. A few people who are not at marriage is there. और जो कुछ लोगों ने शादी नहीं किया है, ये अच्छा है कि आप लोग यहाँ हैं. So listen carefully. अच्छे से सुने. The problem is before marriage they don't listen. और समस्या की कि शादी के पहले वो सुनते नहीं हैं. I'm pastoring a church for 14 years. 14 साल से मैं कलीसिया की अगुवाई कर रहा हूँ. I have come across so many young people. मैं बहुत सारे नवयुवक से मिल चुका हूँ. Understand? समझ रहे हैं? Before they get married, शादी होने से पहले, I tell them lot of things. मैं बहुत सारी चीजें उनसे कहता हूँ. They take it very lightly. और वो बहुत ही हल्का लेते हैं. They are only waiting when they will get married. वो केवल इंतजार करते कि मेरा शादी कब होगा. They don't want to learn anything. वो कुछ नहीं सीखना चाहते. They think they know everything. उनको ऐसे लगता है कि उनको सब पता है. So whenever I tell them, और जब भी मैं कहता हूँ उनसे कुछ, डोंट वरी पास्टर, वी विल टेक केयर. पास्टर आप चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे. हे, दैट नॉट दैट इजी. इतना आसान नहीं है. दे विल थिंक लाइक दिस. वो ऐसे सोचेंगे. मे बी फॉर पास्टर दैट इज डिफिकल्ट, फॉर मी इट इज नॉट. पास्टर के लिए कठिन होगा, मेरे लिए कठिन नहीं है. मे बी हिज लाइफ इज लाइक दैट, दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग. उसका जिंदगी ऐसे है, शायद उसलिए वो पास्टर ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं होगा वैसे. बट माय वाइफ, यू नो, I can handle. मेरी पत्नी, मैं अच्छे से उन्हें हैंडल कर लूंगा. बिफोर मैरिज आई थिंक लाइक दैट. और शादी से पहले ऐसे वो सोचते हैं. Where they are going to go? They are going to come to me only. और कहां जाएंगे? वापस मेरे पास ही आएंगे. Now all those people are married. और जिन्होंने शादी किया,
They are all coming and crying to me. अभी आके वो रोते हैं. I don't know what to do. पता नहीं पास क्या करे. Before marriage only I was happy. और शादी के पहले मैं बहुत खुश था. Oh really? Before marriage you were happy. शादी के पहले खुश थे. But you acted like as if you are all married. You are not married. That's why you are sad all the time. और हमें तो ऐसा लगा कि यार हम शादी की है और तुमने शादी नहीं किया इसलिए तुम दुखी हो. Have you seen some people unmarried people? कुछ जिन्होंने शादी नहीं की उनको भी देखा क्या आपने? They look at you and tell. वो आपको देखे कहेंगे? You are married. आपने शादी किया. You are all married. आप सबने शादी किया. All settled down. सब सेटल हो. When are you going to get married? मैं कब शादी करूंगा? They're waiting for that day. वो इंतजार करते हैं उस दिन का. And especially if the marriage is fixed. और अगर शादी फिक्स हो गया. They are, you know, counting dates in the calendar. और फिर वो कैलेंडर में दिन गिनना चालू करते हैं. When marriage will happen? कब शादी होगा? When wedding ceremony will finish? और कब शादी का सेरेमनी खत्म होगा? When first night will come? कब पहली रात आएगी? So they were very excited about it. और वो उसके बारे में बहुत ही उत्सुक रहते हैं. But in the first night only they will know next rest of the night how it will be. और पहली रात तो उनको मालूम पड़ जाता है बाकी रात कैसे गुजरेगी. They are very excited. और वो बहुत ही खुश रहते हैं. चलो talk openly, no problem. Men think like this. पुरुष जो है वो ऐसे सोचते हैं. I will get married. मैं शादी करूंगा. After marriage, you know. शादी के बाद. I don't need to feel guilty. और मुझे दोष भावना में आने की जरूरत नहीं है. Means like, you know, before marriage, if you have a sex, they say it's a sin, it's wrong. और शादी के पहले अगर हम किसी के साथ गलत रिश्ता बनाते हैं तो वो कहते हैं गलत है. सेक्स जो है सो इट्स रॉन्ग वो गलत है. बट आफ्टर मैरिज शादी के बाद नाउ आई हैव अ लाइसेंस. नाउ अभी मेरे पास लाइसेंस है क्योंकि मैंने शादी की है. सो एवरी टाइम आई एम गोइंग टू एंजॉय विद माय वाइफ. अभी हर समय जो है मेरे पत्नी के साथ मैं एंजॉय करूंगा. बट यू नो व्हाट पता है आपको? They are not married, no. उन्होंने शादी नहीं किया है. After marriage only they will know. और शादी के बाद ही पता चलता है. Your wife will not allow you to touch easily. और आपकी पत्नी आपको आसानी से छूने का इजाजत नहीं देगी. Daily night you will go to touch her. और रोज हर रात को आप जाओगे तो छूने. By the time you touch her, she already sleep. और छूने से पहले वो सो गई होगी. So if you try to wake her up, अगर आप उसे उठाने का प्रयास करोगे, don't disturb me, I'm sleeping. अरे मुझे disturb मत करो, मैं सो रही हूँ. Okay, you think, okay, no problem. Today she's tired sleeping. आप कहोगे चलो आज थक गई है, चलो कोई बात नहीं. Tomorrow also. कल भी. Daily they'll tell one reason. और हर एक दिन अलग-अलग कारण बताएंगे. Today you see, you know, how much work I have done. I'm very tired. देखो आज कितना काम किया, थक गए हैं. But they will not get tired when they go for shopping. और shopping जब वो करने जाए तब वो थकते नहीं है. They'll be awake if somebody is there talking, watching you. They'll be awake. और देखो अगर कोई बात वगैरह कर रहे कहीं और तो वो जागे रहेंगे. You tell them go to sleep, they will not sleep. अगर आप कहोगे भी कि जाके सो जाओ तो वो सोएंगे नहीं. But they will not be awake for you. और वो आपके लिए जागे नहीं रहेंगे. You will not believe. आप विश्वास नहीं करोगे. You ask any married experienced man. और कोई भी अनुभवी व्यक्ति से आप बात करें. Wife will tell without getting, you know. और देखो बिना बोर हुए जो पत्नी जो है ना एक एक अपनी बीमारियां बताती रहेगी. टुडे जल्दी हेडेक. वो कहेंगे आज मेरा सर दर्द दे रहा है. टुमारो नेक पेन. वो कहेंगे फिर मेरा गला दर्द दे रहा है. टूथ पेन. वो कहेंगे मेरा दांत दर्द दे रहा है. स्टमक पेन. पेट दर्द दे रहा है. डेली पेन पेन पेन. हर एक दिन एक दर्द है. इनिशियल इन द स्टेज ऑफ मैरिज. और शादी के शुरुआत के समय द हस्बैंड विल डू. डोंट वरी पेन नो आई विल डू मसाज. कोई बात नहीं दर्द दे रहा है थोड़ा मसाज कर देता हूँ. नो आई विल गिव यू मेडिसिन. और मैं दवाई देता हूँ. बट आफ्टर 10 ईयर यू कीप ऑन लिसनिंग द पेन. अगर 10 साल के बाद भी आप दर्द ही सुनते रहोगे. So after some time, when a wife tell, I have this pain, and then you tell, you only. All daily, no. You take care. अगर 10 साल के बाद भी पत्नी अगर कहती है कि ये दर्द दे रहा है वो दर्द दे रहा है तो आप हो गए रे तू देख बात क्यों करना है. You go to any clinic. और कोई भी दवा खाने में जाए 90% women only will be sitting there. 90% महिलाएं बैठे रहेगी वहां. 9 women one man will be sitting there. 9 महिलाओं में एक व्यक्ति वहां पर रहेगा. All the doctors are running business because of women. और जितने भी दवा खाने हैं वो चल रहे हैं महिलाओं की वजह से. Somewhere some pain is there. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द है. Daily some kind of sickness. हर दिन कुछ ना कुछ बीमारी है. You can be able to write a diary and make a record, you will be shocked. आप अगर डायरी में लिख कर रखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे. So men boys think like that. जो पुरुष है वो ऐसे सोचते हैं. After marriage, शादी के बाद, I'll be enjoying with my wife all the time. हर समय पत्नी के साथ जुड़ा रहूंगा. Brother, that itself is a problem. हाँ भाई, वो ही सबसे बड़ी समस्या है. You ask all over the world.
The married men will tell you. पूरे विश्व भर में जितने भी पुरुष हैं जिन्होंने शादी किया उनको पूछे. That is not one man's story, all men's story. वो एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, सबकी कहानी है. So women think like this. महिलाएं ऐसे सोचते हैं. My husband, if he married. अगर मैं उससे शादी कर लूं, my husband will take me ride in the bike. और मेरा पति बस गाड़ी पे घुमाता रहेगा मुझे. And you know, all the time I'll hold his hand, go for shopping. और हर समय मेरे पति के हाथ को पकड़ के मैं शॉपिंग करने जाऊंगी. My husband will do this for me. My husband will do that for me. मेरा पति मेरे लिए ये करेगा, मेरा पति मेरे लिए वो करेगा. My husband will understand me. मेरा पति मुझे समझेगा. You know, they are all of thinking. और उनके बहुत सारे ऐसे सोच है. But you know what, when they get married, जब शादी हो जाता है, the husband will tell you, be in the house, I'll go and come. और पति कहेगा तू घर पे रह, मैं जाके आता हूँ. Or else you go and come, I'll be in the house. तो तू जाके आ, मैं घर पे रहता हूँ. Whatever women dream also, that is also not fulfilled. और जो महिलाओं का सपना है वो भी पूरा नहीं होता है. You ask all the married women. जितने भी शादीशुदा महिलाएं उनसे पूछे. What they expected, you know, what they happened in reality. और उन्होंने अपेक्षा क्या किया था और हकीकत क्या हो रहा है. Generally, सामान्य तौर पर all men are same. जितने भी पुरुष है वो एक से ही है. Generally, all women are same. और जितने भी महिला है वो भी एक जैसे ही है. Men are men, women are women. महिलाएं जो महिलाएं हैं और पुरुष जो है पुरुष हैं. Men don't even understand your feeling. और जो पुरुष होते हैं वो आपकी भावनाओं को भी समझते नहीं है. You will tell something, they understand something. आप कुछ कहोगे और वो कुछ समझेंगे. Their answer will not be a comfort to you. और उनका जो जवाब है वो सांत्वना नहीं पहुंचाएगा आपको. Sometimes they don't even listen to you. कभी कभार तो वो सुनते भी नहीं है. So many women, you will never listen to me. कुछ महिलाएं कहते हैं आप मेरा कभी नहीं सुनोगे. So first of all, I want to tell you. पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. For all the people who want to get married. जितने लोग शादी करना चाहते हैं. School is not preparing us for marriage. पाठशाला जो है विवाह के लिए आपको तैयार नहीं करती है. We go to school, we study a lot of things. आप स्कूल में जाने के बाद बहुत सारी चीज सीखते हो. But that is not going to be useful to your successful marriage. वो सारे चीजों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आपके विवाह को रोमांचक बनाने के लिए. Parents are not teaching anything about marriage. और माता पिता भी विवाह के बारे में बच्चों को नहीं सिखाते. So in church, you know, in my church, or your pastor church, you must have listened about marriage, but in other church, that also they don't do. और मेरे चर्च में, आपके पास के चर्च में थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा, लेकिन दूसरे चर्च में तो सिखाते भी नहीं है. Only in wedding sermon, wedding ceremony, you listen on sermon. और विवाह के समारंभ में एक संदेश होता है, वही आप वहाँ पर सुन सकते हैं. Otherwise, they don't give a solid teaching about marriage. और विवाह के बारे में वो अच्छा शिक्षण नहीं देते हैं. School is not teaching us. स्कूल जो है हमें सिखाता नहीं है. पेरेंट्स विल नॉट टीच. माता पिता सिखाते नहीं है. नो आवर पेरेंट्स विल डू. माता पिता क्या कहेंगे मालूम है? स्टडी स्टडी स्टडी. पढ़ाई करो पढ़ाई करो. देन गो टू कॉलेज. कॉलेज जाओ. देन गो टू जॉब. नौकरी पे जाओ. द मोमेंट यू गो टू जॉब. और नौकरी पे जब आप लग जाते हैं, दे आर बिजी सर्चिंग बॉय एंड गर्ल. और फिर आपके लड़का या लड़की ढूंढना चालू करते हैं. दे विल टेल यू टू गेट मैरिड. वो कहेंगे शादी करो. ऑन द मैरिज दे विल गिव यू वन एडवाइस. और शादी के दिन एक सलाह देंगे. यू नो ओनली वन एडवाइस. एक सलाह. इफ यू अंडरस्टैंड ईच अदर यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. अगर एक दूसरे को आप समझोगे ना कोई समस्या नहीं होगी. दैट इज द ओनली चैलेंज. और वही सबसे बड़ा चैलेंज है. 30 इयर्स पीपल आर मैरिड टिल नो दे डिड नॉट अंडरस्टैंड. 30 साल हो गए शादी के बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं. बता देते हैं कि अगर आप एक दूसरे को समझोगे कोई समस्या नहीं होगी. You're right. अब सही है. But the problem is we are not able to understand each other after 30 years of marriage. समस्या ये है कि शादी के 30 साल बाद भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं ना. You ask many husband. बहुत सारे पति से पूछो. Sir, do you feel that your wife understands you? सर आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपको समझती है? No. नहीं. You ask the wife. पत्नी से पूछो. Sister, do you feel that your husband understands you? कि बहन आपको लगता है कि आपका पति आपको समझता है? No. नहीं. They will give that advice.
एक सलाह देंगे वो, अंडरस्टैंड ईच अदर, अगर एक दूसरे को समझेंगे, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगी. एंड आफ्टर द मैरिज, और विवाह के बाद, दे विल कीप ऑन आस्किंग यू, वो पूछते रहेंगे, एनी गुड न्यूज, कुछ गुड न्यूज है क्या, एनी गुड न्यूज है क्या, टेल देम जीसस डाइड फॉर यू, दैट्स द गुड न्यूज, उनसे कहा यीशु आपके लिए मरा, यही कुछ समाचार है. How many times you ask, this is the good news? जितने बार पूछो यही सुसमाचार है. They put a pressure on us. और वो हम पे प्रेशर लेकर आते हैं. They want you to manufacture a child. और वो चाहते हैं कि आप बच्चे को उत्पन्न करें. Immediately. और तुरंत. Marriage within 1 month they'll ask any good news. शादी शादी के एक महीने बाद कोई good news है क्या? And the people come under a pressure. और फिर लोग जो है एक तनाव में आ जाते हैं. Because everybody is asking somewhere we should give birth to a child. और सब लोग पूछ रहे कैसे तो हमारा एक बच्चा होना ही चाहिए. And they try to create a child. और वो प्रयास करें कैसे करके एक बच्चा हो जाए. But it will not happen. और वो होगा नहीं. And women thinks like that. कभी कभार महिलाएं ऐसे सोचती हैं. Already we have a 2-3 child. Why are you touching me? अभी 2-3 बच्चे अभी छू रहे क्यों मुझे? महिलाएं नहीं कह रही है इट इज फॉर एंजॉयमेंट, आनंद उठाने के लिए है. अगर आप बोल ही नहीं पा रहे तो आपके पति आनंद कैसे उठाएंगे? So I'll tell you this. देखो मैं कहता हूँ आपसे. Nobody is teaching us about marriage and yet we are getting into marriage. कोई विवाह के बारे में सिखा रहे नहीं लेकिन फिर भी विवाह हो रही है. Marriage is not that easy. विवाह इतना आसान नहीं है. People thinking it's very easy thing. लोगों को लगता है ये बहुत आसान है. I'm 25 brother. मैं 25 साल का भाई. I'm 30. मैं 30 साल का. I'm 35 should get married. 25 साल में शादी हो जाना चाहिए. You're 35 means you're not a wise man. You're old man. That's all. और देखो 35 साल इसका मतलब है कि आप बुद्धिमान व्यक्ति नहीं आप बूढ़े. You are getting older. That's all. आप बूढ़े होते चले जा रहे हैं. 35 doesn't mean that you know everything about marriage. और 35 साल इसका मतलब ये नहीं कि आपको विवाह के बारे में सब पता है. Especially in this time, it is very hard to survive in marriage. और देखो ऐसी स्थितियों में विवाह रूपी जीवन बिताना बहुत कठिन है. So you have to learn. आपको सीखना है. Whether you know I have a capacity to survive in marriage. क्या मैं विवाह रूपी जीवन में अच्छा जीवन बिता सकता हूँ? Parents are not preparing the children for marriage. देखो माता पिता अपने बच्चों को विवाह के बारे में नहीं उभार रहे हैं. The girl's mother is not training the child, you know, how you have to be once you get married. लड़की की माँ अपने लड़की को ये नहीं सिखाती कि शादी के बाद तुझे कैसे जीवन बिताना है. No, they are telling study, study, study. वो बस कहते पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो. They don't want to give any work. वो कोई काम नहीं देना चाहते. Oh, you're studying, don't do any work. अच्छा तू पढ़ाई कर रही है ना, काम मत कर. That's why when they get married, और इसलिए जब उनका शादी हो जाता है, they say, I don't know anything. वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं आता है. I don't know how to make coffee. मुझे कॉफी बनाना नहीं आता है. The mother says, माँ कहती है, No, my daughter don't know anything. ओ, मेरी लड़की को कुछ भी नहीं आता है. They say proudly. वो बहुत घमंड से कहती है. You should be ashamed of it. ओ, आपका शर्म आना चाहिए उससे. Why you are saying proudly? इतने घमंड से क्या कहते हो? Many girls only know to make Maggie noodles. और बहुत सारी जो लड़कियां खाली मैगी नूडल्स बनाने आता है. 5 year children are doing Maggie noodles today. 5 साल के बच्चे जो मैगी नूडल्स बनाते हैं. What is the use of marrying this girl who know only to make a Maggie noodles? क्या फायदा है ऐसी लड़की से शादी करने जिसको खाली मैगी नूडल्स बनाने आता है? They are telling, I don't know anything. मुझे कुछ भी तो नहीं आता. You know to eat? खाने आता है. You know to eat but you don't know to cook. खाने आता है, बनाने नहीं आता है. In the house somebody has to cook. और घर में कोई तो खाना पकाना चाहिए. They want to eat 3 times but they don't know how to cook. और वो 3 टाइम खाना तो खाना चाहते हैं लेकिन उनको पकाने नहीं आता है. Parents are not teaching the children. क्योंकि माता पिता उनको सिखाते नहीं है. Oh, you're studying, you know, you should not do any work. अरे आप पढ़ाई करो ना, कोई काम मत करो. Why? They are studying, studying and they are going to become school first and state first. और क्या वो पढ़ाई करते करते पूरे स्कूल में और पूरे स्टेट में पहला नंबर लाने वाले? No matter school first or state first, they have to go and cook in the house. वो चाहे पहले रैंक भी क्यों ना लेकर आए, उनको जाकर खाना ही पकाना है. They are cooking for their husband. देखो वो अपने पति के लिए पका रहे हैं. You know some girls are asking. कुछ लड़कियां पूछती हैं. I am a servant. क्या मैं गुलाम हूँ? Whom you are serving? आप किसकी सेवा कर रहे हो? You are cooking for your husband. आप अपने पति के लिए पका रहे हो? You are cooking for your own children. अपने बच्चों के लिए पका रहे हो? At the maximum maybe for your in-law. और ज्यादा से ज्यादा आपके जो
in-laws है उनके लिए, सास ससुरे उनके लिए. So you're asking, I'm a servant to work in this house. आप पूछो क्या मैं गुलाम हूँ इस घर के लिए? You servant means so cheap, हाँ? हाँ, servant मतलब क्या बहुत सस्ते हैं क्या? That girl also like you. वो लड़की भी आप जैसे ही है. Only thing she is poor, that's why. उतना ही है कि वो गरीब है बस. If she has money, she will come and wash vessels in your house. अगर उसके पास पैसे तो क्या वो आपके घर पर काम करते? She is in a disadvantaged situation today. That's why she is coming and wiping your house, washing the vessel. वो अपने इतने संघर्ष भरे जिंदगी में इसलिए वो आपके घर पर आकर वो लादी पोसती है और बर्तन धोती है. If she is rich, she will not come. अगर वो थोड़ी पैसे वाली होती तो वो आपके घर पर नहीं आती. Her father, her husband is good, she will not come. पिता या उसका पति अच्छा होता तो वो आपके घर पर नहीं आती. She is also woman. वो भी एक महिला है. But in a disadvantage state. लेकिन वो अपनी अव्यवस्था में है. She has to work in her house also, work in your house also. वो अपने घर पर भी उसे काम करना है, आपके घर पर भी काम करना है. Don't think servant lightly. और ऐसे मत सोचो कि जो नौकर होते हैं वो बहुत सामान्य है. I was in one meeting. मैं एक सभा में था. And I can never forget this. और मैं ये कभी नहीं भूल सकता. We were in Malaysia on pastors. Pastor's conference. और हम मलेशिया में एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में थे. And one of the pastor wife, young. एक जवान जो है पास्टर की जो महिला पत्नी है. The moment she came to stage, जब वो स्टेज पर आई, she started telling. वो बताने लगी. Why women only should clean the house? Huh? क्या महिला ही घर साफ सफाई करना चाहिए? Why women only wash the vessels? क्या महिलाओं को ही खाली बर्तन धोने हैं? Why men will not do wash vessels? क्या पुरुष बर्तन नहीं धो सकते? See, sometimes you know when people talk, you know they don't think holy. और देखो जब लोग बात करते हैं तो वो ये नहीं सोच पाते पूरी तौर पर. See, some of the work is designed in this way. देखो इस प्रकार कुछ काम का तरीका दिया गया है. Some work is very hard, men will do. कुछ जो कठिन परिश्रम वाला काम है वो पुरुष करेंगे. Little easy work, women will do. जो आसान काम है वो महिला करेंगे. Women can wash vessels in the house. देखो महिलाएं जो है घर पर बर्तन धो सकते हैं. We cannot tell women go and bring the gas cylinder. और हम महिलाओं को नहीं कह सकते जाकर गैस सिलेंडर लेकर आओ. Will you do it? क्या आप करोगे? Husband is saying. पति कहता है. भाई men only should carry gas cylinder, women should not carry. क्या जो पुरुष है वही गैस सिलेंडर लाना चाहिए क्या? महिलाएं नहीं लेकर आ सकती है? Hard work men will do, easy work you do. देखो कठिन परिश्रम जो है पुरुष करेंगे और जो आसान काम है वो महिलाओं को करना है. Outside work men will do, inside work you do. बाहर का काम पुरुष करेंगे, घर का काम महिलाएं करेंगे. Cleaning the house, washing the vessel, cooking food for your wife, husband and children, that's all. और जो घर का काम काज बर्तन धोना, कपड़े या फिर खाना पकाना उतना ही. Why we should wash? I wash machine, you go and bring gas cylinder. महिला वहां कह रही थी वहां पर क्या हम ही बर्तन धोना है? ठीक है बाबा बर्तन हम धोते हैं, आप जाके गैस सिलेंडर लेकर आओ. You know, sometimes, you know, women, you know, they don't understand what they're talking. कभी कभार महिलाएं जो होते हैं वो ये नहीं समझ पाती कि वो क्या बात कर रहे हैं. I pray to God. मैंने प्रार्थना किया प्रभु से. If there is a way like something like reincarnation. अगर ऐसा कोई तरीका है दोबारा जन्म का. I want to born as a woman only. कि मुझे एक महिला ही बनना है. I pray to God, Lord, if there is a reincarnation, I want the next generation born as a woman. मैंने कहा प्रभु अगर ऐसा कोई तरीका है वापस जन्म का तो मुझे महिला ही बनाना. Because in this generation, men very hard work. और क्योंकि इस पीढ़ी में पुरुष जो है वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं. My daddy's generation, women had a hard work. और मेरे पिता के पीढ़ी में महिलाएं कठिन परिश्रम करती थी. Those days men will not do any work. उन दिनों में पुरुष ज्यादा काम नहीं करते. All the work men will do. और ज्यादातर काम जो है महिलाएं करती थी. Today all the work men only do. और आज ज्यादातर काम पुरुष ही करते हैं. So we are not preparing our children for marriage. हम अपने बच्चों को विवाह के लिए तैयार नहीं करते. Nobody is preparing the children for marriage. और कोई भी विवाह के लिए तैयार नहीं करता है. Women. Girl child, they are not training, you know, how they can go and live in another house. अगर वो महिला है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके घर पे तो अपने बच्ची को आपको सिखाना चाहिए कि वो पराए घर पर जाकर कैसे रहना चाहिए. For men, you know, you have to teach, you know, how to be responsible, how to take care of a woman. और अगर लड़का है तो उन्हें सिखाना चाहिए कैसे हम अपनी जिम्मेदारी उठाए और उस महिला को संभाले. But in our India, all the time mother will say, our mother, our sister, if you have, they'll keep on telling. और हमारे भारत में अगर उनकी माता या बहन है वो ऐसे कहेगी. और देखो ये जो लड़का ये शादी के बाद अपने पत्नी के ही पीछे जाएगा. सिस्टर आई हैव टू कम बिहाइंड यू. क्या बहन मैं आपके पीछे आऊं?
your husband is there. आपका पति है. My wife, I have to go behind her. अब मेरे पति के पीछे मुझे जाना है. Our mother, her husband is there. हमारे माँ के लिए उनका पति है. They keep on telling, put the guilt on the son. और देखो वो अपने बेटे पर दोष भावना लेकर आती है. शादी होने के बाद बस पत्नी के पीछे ही पड़ा रहता है. Let him go now behind his wife. Let him be happy. What do you want? वो अपने पत्नी के पीछे जाना तो ना, खुशी से रहने तो और क्या चाहिए आपको? In Indian culture only like this. भारतीय संस्कृति में ऐसे. They will tell us to marry. वो कहेंगे हमें शादी करो. But they will not allow us to live happily married. और वो हमें इजाजत नहीं देंगे खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए. You understand? If you are not married, they'll keep on asking when are you going to get married. अगर शादी नहीं हो रहा है तो वो कहते रहेंगे कब शादी करोगे, कब शादी करोगे. But when we are married, they will not allow us to live happily. और जब हम शादी कर चुके हैं तो वो अभी इजाजत नहीं देंगे अच्छे से रहने के लिए. Especially, you know, if you, I'll tell you this, whether people like it or not, I'll tell you this. देखो लोग पसंद करें या ना करें मुझे ये कहना है. If anybody is going to get married, अगर जिसको शादी करना है अभी, I don't know whether it is possible or not. मुझे पता नहीं संभव है या नहीं. बट इफ इट इज पॉसिबल यू डू इट. संभव है तो ऐसे करो. व्हेन यू गेट मैरिड, शादी अगर आप करोगे, एटलीस्ट 2 इयर्स यू स्टे सेपरेटली फ्रॉम योर पेरेंट्स. आपके माता पिता से कम 2 साल तो अलग रहो. आई गॉट इफ आई से दिस यू नो people think that I'm separating the family. और अगर मैं ये कहूँ तो कुछ लोग कहेंगे अरे यार ये परिवार से तो अलग करने की बात हो गई है. लिव फ्रीली, आजाद जिंदगी रहो. 2 इयर्स, 2 साल के लिए. I'm not telling don't give money to your parents. मैं ये नहीं कह रहा अपने माता पिता को पैसा मत दो. I'm not telling don't take care of your parents. मैं ये नहीं कह रहा अपने माता पिता का देखभाल मत करो. But if you're married, 2 इयर्स live separately. मैं ये कहना चाह रहा हूँ हो सके तो आप 2 साल अलग रहो. So that you'll have a freedom to spend time focusedly, understand each other without any fight, arguments in the house. और इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आप एक दूसरे को समझ पाओ, एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता पाओ बिना ज्यादा कोई झगड़े के. In joint family, और एक joint परिवार में, you cannot buy anything for your wife. आप अपने पत्नी के लिए अलग से कुछ नहीं खरीद सकते. Whatever you buy, you have to buy for everyone. अगर आपको कुछ खरीदना है तो सबके लिए खरीदना है. Or else you have to buy secretly. या तो फिर गुपित तौर पर खरीदना. Secretly you are caught, then it will be a problem. और अगर गुपित तौर पर आपने खरीदा और अगर आप पकड़े गए आप बड़े समस्या में रहोगे. What kind of person he is? किस प्रकार का व्यक्ति है? Every time he buys sweets only for his wife. अगर अपने पत्नी के लिए वो मिठाई खरीदे. Keeping in the room they are eating. और रूम में रख के अकेले खा रहे. Mother who give birth, they are not giving one chocolate. आ मां जिस मां ने तुमको जन्म दिया एक चॉकलेट नहीं देते उसे. And if you are in a joint family, अगर आप joint परिवार में हो. If you want to go out with your wife, अपने पत्नी के साथ में लेकर बाहर जाना चाहते हो, sometimes you have to tell lie and go. कभी कभी झूठ बोल के जाना पड़ता है. I'm going for prayer. मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ. Otherwise they'll ask you. नहीं तो पूछेंगे ना. Yesterday only you went to garden. अब कल तो तुम गार्डन गए थे. Today also why? अभी क्यों? Do you want to roam? रोज घूमना है क्या? What is your problem? अरे तुम्हारी समस्या क्या है? They are married. उनका शादी हो गया. And they want to go. उनको जाना है. He's going with his wife. वो अपने पत्नी के साथ जा रहे हैं. What is your problem? आपकी समस्या क्या है? The mother will tell. माँ कहेगी. I'm not telling you don't go. मैं तुम्हें नहीं कह रहा मत जाओ. Now what else? What are you doing right now? अभी क्या कर रहे हो? No, weekly once you go. हफ्ते में एक बार जाओ. Who are you to decide? Do you want to go? Me, we want to go. आप क्यों निर्णय ले रहे हो? हम दोनों decide करेंगे. हमें जाने बस जाना है. You cannot live freedom. हम आजाद नहीं रह सकते. Yesterday only you went. Why you want to go out today? कल ही गए थे फिर आज क्यों जाना है? You live your life for some time. कुछ समय के लिए आप अपना जिंदगी जियो. You can able to understand each other. आप एक दूसरे को समझ पाओगे. So before marriage, getting married, you have to, you know, consider all these things. You have to practically work out. देखो शादी करने से पहले इन सारे चीजों के बारे में आपको सोचना है और योजना बनाना है. You understand? समझ रहे हैं? Your mother will tell. माँ कहेगी आपको. I am not like other mothers. मैं दूसरे माँ जैसे नहीं हूँ. If I have a daughter in law, you know, अगर मेरी बहू होती, I will keep her in my lap and feed food. और मैं अपने गोद पर बिठा कर वो खाना खिलाती. They will tell like that. वो ऐसे ही कहेंगे. But they will do opposite. और वो सीधा विरोध करेंगे. So before you get married, prepare yourself. देखो शादी करने से पहले तैयारी करो. Your age is not qualifying you. देखो आपकी आपका जो उम्र है आपको योग्य नहीं बनाता है. You want to take a driving license. अगर आपको driving license लेना है, first you have to go and write on a test. और जाकर पहले आपको एक test लिखना है. And you have to pass the test. और वो test में pass होना चाहिए. Then only they'll give you LLR license. और फिर वो LLR license देंगे. Then with that you have to go for a training. और फिर उसके साथ आपको training में जाना है.
Then again you have to go and give a test. और फिर वापस जाके आपको टेस्ट देना है. Then they will give you a license. और फिर वो पक्का लाइसेंस आपको देंगे. Just to give you a license, you have to go this much of preparation. और केवल एक छोटा सा लाइसेंस पाने के लिए आपको इतनी तैयारी करनी पड़ती है. But when you want to get married, nobody asks any question. और जब शादी करना होता है तो कोई कोई सवाल ही नहीं है उधर. Any Tom, Dick and Harry can marry. और कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति शादी कर लेता है. No qualification for marriage. विवाह के लिए कोई योग्यता ही नहीं. Marriage has become so cheap that anybody can marry. विवाह इतना गिर गया है, मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी कोई योग्यता नहीं, कोई भी कर रहा है. You're 35, oh marry soon. 35 साल हो गया, शादी जल्दी कर लो. But you don't know anything about marriage. लेकिन उनको विवाह के बारे में कुछ पता नहीं है. Some are jobless. और कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं है. But the mother is looking for a girl. लेकिन वो माँ जो है अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है. But first tell him to look for a job. अरे पहले उनको काम तो करने कहो. Before a girl you need a job. और पहले लड़की से पहले नौकरी चाहिए. I tell some boys. मैं कुछ लड़कों से कहता हूँ. I have seen some boys. मैंने देखा है. Not having a job. नौकरी नहीं है. But keep on pressuring the mother. लेकिन माँ के ऊपर वो दबाव लेकर आते हैं. You are not seeing girl for me. मेरी लड़की नहीं देखते हो. You are not telling any pastor to look for. लड़की देखने के लिए. So the mother comes to me. फिर माँ थी मेरे पास. Look a girl for my son. Pastor, please, मेरे लड़के के लड़की देखे. Then sister, she have a job. मैं उनसे पूछता हूँ क्या उनके पास नौकरी है. No, ना. नहीं है ना. Then let him find a job. तो पहले उनको नौकरी करने दो. Without a job, who will give a girl? और बिना नौकरी के कौन लड़की देगा? If anybody girl give, you get married. I don't have problem. और अगर कोई दे रहा है तो आप शादी कर सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है. First job, पहला नौकरी. You should have a money to provide for your family. आपके पास पैसा होना चाहिए आपके परिवार की जरूरत पूरी करने. Brother, I have love, brother. Not money, but I have lot of love. Brother, मेरे पास प्यार है brother. पैसा नहीं है. But after marriage, you're going to daily cut love and eat. और क्या शादी के बाद आप प्यार काट के खाओगे? What will give your house owner? और आपके घर के मालिक को क्या दोगे? I'll tell you this. ये कहता हूँ. If you don't have money, पैसा नहीं है तो your wife will never respect you. आपकी पत्नी आपका आदर नहीं करेगी. If you don't have money, wife will never respect you. पैसा नहीं है तो आपकी पत्नी आपका आदर नहीं करेगी. 14 years I am saying this. Many men till now did not understand. 14 साल से मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पुरुष अभी तक नहीं समझ पाए. From the day when I started my ministry, I am telling you. और जब से मैंने मेरा सेवा चालू किया है तब से. Forget about your wife. Your own mother will not respect you. मैं कहता हूँ पत्नी को भूल जाओ, आपकी खुद की माँ आपका आदर नहीं करेगी. Two children in the house. घर पे दो बच्चे हैं. One is having more, earning more money. एक जो ज्यादा पैसा कमाता है. One is earning less money. एक जो कम पैसा कमाता है. Whom do you think your mother will respect? आपको क्या लगता है कि आपकी माँ जो है किसका ज्यादा सराहना करेगी? Have a job, prepare, then you enter into marriage. देखो पहले आप अपना नौकरी देखो, उसके बाद तैयारी करो और फिर उसके बाद शादी करो. One person asked it seems. एक व्यक्ति ने ऐसे पूछा. In this game, you know which instrument I have to use it to impress a girl. और which machine I have to use to impress a girl. उन्होंने कहा कि ये जिम में कौन सा ऐसा मशीन है जिसका मैं इस्तेमाल करके किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकूं? The trainer said. ट्रेनर ने कहा. None of this machine will impress the girl. Only ATM machine will impress the girl. उन्होंने कहा कि इस जिम में जितना भी मशीन है उसमें से कोई भी मशीन काम नहीं आएगा लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन ATM मशीन काम आएगा. No matter how spiritual. आप कितने भी आत्मिक क्यों ना हो. I remember, मुझे याद है, many years before, बहुत साल पहले, one brother wants to commit suicide. एक भाई जो है वो आत्महत्या करना चाहता था. Somehow he thought of calling me and came and met me. और उसको ऐसे लगा कि मैं पास्टर को फोन करूं और वो आकर मुझसे मिला. With tears he said, और रोते हुए उसने कहा, I'm going to commit suicide. कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं. I'm not going to live. मैं जीऊंगा नहीं. My wife need money. मेरी पत्नी जो है वो पैसा ही चाहती है. She wants only money, brother. वो केवल पैसा ही चाहती है भाई. I said, every wife wants that. और मैंने कहा कि हर पत्नी को वही चाहिए. Only tell, they tell them in a different way, that's all. लेकिन वो जो हर एक महिला अलग अलग तौर पर कहती है. Don't feel bad in that way. देखो उस तौर बुरा नहीं मानो. Instead of getting angry, और गुस्सा होने से अच्छा है. Why don't you earn money? क्यों ना आप पैसा कमाओ? That has happened 7-8 years before. लगभग 8 साल पहले. Today, आज, he's earning lot of money. आज बहुत सारा पैसा कमा रहा है. He bought all the jewelry for his wife. उसने सारा सोना अपने पत्नी के लिए लेकर आया. Now, no fight. अभी झगड़े नहीं होते. Now he is the boss in the house. अभी वो घर पे बॉस है. He's telling you to talk too much, I'll send you to your mother's house. और वो कहता है देखो ज्यादा बात करोगे माँ के घर पे भेज दूंगा. Because he's earning money now, he can able to talk. देखो अभी वो पैसा कमा रहा है तो वो बात कर पाता है. Earn money. पैसा कमाओ. Be creative. और रचनात्मक बनो.
Pray and ask God how I can able to make more money. प्रार्थना करो और प्रभु से पूछो कि प्रभु कैसे पैसा कमाओ. Happily, you know, bless your wife and children with lot of good things. खुशी खुशी अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को अच्छे चीजों से आशीषित करो. As a man, we have to sacrifice our life for our wife and children. देखो पुरुष होने के नाते हमारी जिंदगी जो है अपने पत्नी और बच्चों के लिए बलिदान करना है. You have to give everything best for your wife and children. अपने पत्नी के लिए जितना सर्वोत्तम हो सके उतना सर्वोत्तम उनको देना है. You have to, as a man, you have to lay down your life for your wife. और देखो पुरुष होने के नाते अपने पत्नी के लिए अपने जीवन का बलिदान करना है. Everybody listening, brothers. क्या भाई सुन रहे मेरा? You have to lay down your life. अपना जिंदगी कुर्बान करना. Your wife's happiness should be your goal. आपकी पत्नी की खुशी जो है ये आपका लक्ष्य होना चाहिए. With this, you know, I'll give you a few minutes break and just another few minutes we'll continue and we'll close it. और अभी थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा देर और सत्र लेंगे. No, I'll tell you one more thing. एक और चीज कहूंगा. See, if you want to create lot of love in the family. देखो अगर आप अपने परिवार में ढेर सारा प्यार चाहते हो तो you have to create lot of happiness. आपको बहुत सारे खुशी को निर्माण करना है. If you make your wife happy, she is going to love you more. अगर आप अपने पत्नी को खुश रखोगे वो आपसे ज्यादा प्यार करेगी. Looks very simple, but listen very carefully. ये बहुत सामान्य दिखता है लेकिन इसको अच्छे से सुनो. Instead of, you know, telling your wife is not loving you, ये कहने से अच्छा कि आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती है. But if you make your wife happy, अगर आप अपनी पत्नी को खुश रखोगे, she is going to love you. वो आपसे प्यार करेगी. Creating happiness is the key to increase the love. और देखो अपना अपने परिवार में आनंद बनाने के द्वारा आप प्रेम को प्रेम की बढ़ोतरी देखोगे. See, if I irritate you. अगर मैं आपको सताऊं, you will hate me. आप में से नफरत करोगे. Am I right? सही है ना? If I irritate you, you will hate me. अगर मैं आपको सताऊंगा तो आप मुझसे नफरत करोगे. But if I, you know, do something which will make you happy. लेकिन अगर ऐसा कुछ करूं जिसके द्वारा आप खुश रहोगे, without you knowing, you love me. और बिना आप जाने आप उसे प्रेम करने लगोगे. So the goal is to create happiness in the family. और उद्देश्य होना चाहिए कि परिवार में आनंद और खुशी लेकर आए. If you are a wife, you have to think daily how I can able to create right now today. In my house, happiness. और अगर आप पत्नी हैं तो आप ये सोचना चाहिए कि मेरे परिवार में घर में मैं कैसे खुशी को लेकर आऊं. If you are a husband, you have to think, you know, what I can do so that, you know, my wife will be happy today. और पति होने के नाते आपको ये सोचना कि मेरी पत्नी कैसे खुश रहेगी. Okay, take a 5 minutes break. एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं.